नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है। इस अधिवेशन में दो दिन का कार्यक्रम रहेगा, जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय टीम के सदस्य शामिल होंगे। वहीं अखिलेश यादव बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव की वापसी के बाद करीब 7 साल बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव की वापसी हुई है। शुक्रवार सुबह सपा के ट्विटर में किए गए ट्वीट में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव अगल बगल बैठकर कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में सवार होते हुए दिखाई दिए। 2016 में परिवार और सपा में हुए विवाद के बाद शिवपाल ने अलग रास्ता ले लिया था, लेकिन अब मैनपुरी उपचुनाव के बाद दोनों फिर से साथ हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन में 7 साल बाद दोनों एक साथ दिखेंगे। गौरतलब है कि 2017 में जनेश्वर मिश्रा पार्क में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। लंबे समय तक परिवार के बीच विवाद चलता रहा, लेकिन गत विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ी हुई दिखाई दी थी। तब शिवपाल यादव सपा के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव भी लड़े, लेकिन चुनाव के बाद दोनों की दूरियां फिर बढ़ने लगी। लेकिन मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के पहले नेताजी के निधन पर दोनों एक साथ दिखाई दिए। ऐसे में मैनपुरी उपचुनाव के वक्त फिर से चाचा भतीजा एक साथ आ गए और साथ लाने में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का हाथ रहा। अब शिवपाल यादव को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। उन्होंने बीते दिन हर कदम पर अखिलेश यादव का साथ भी दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या चाचा भतीजे की जोड़ी लोकसभा चुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएगी। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।